Today we are going to discuss chapter number 5, physical states of matter. हमारे पास matter क्या है इसकी पहले हम introduction करवाते हैं. Matter, anything having mass and number 2, occupy space. हर वो चीज जिसका mass हो और वो जगह घेर लेता है तो उसको हम कहते हैं मैटर. मिसाल के तौर पर ये मार्कर जो है ये मैटर है, इसका मेस भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. अगर हम डस्टर ले ले तो उसका मेस भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. नाउ दिस मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. पहला हमारे पास है गैस, द सेकंड वन लिक्विड एंड द थर्ड वन सॉलिड. गैस में पार्टिकल आर पार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है ये ज्यादा होता है. पार्टिकल्स फासले पे होते हैं. द पार्टिकल्स आर पार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर सो दे हैविंग वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में पार्टिकल आर क्लोजर देन गैस. गैस की निस्बत हमारे साथ ये इसमें पार्टिकल जो है ये नजदीक होते हैं और सॉलिड में पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. इसमें पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं. सो सॉलिड हैविंग डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम. इसी तरह अगर हमारे पास है लिक्विड तो ये डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप. इट अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. जिस कंटेनर में ये डालते हैं तो ये वही शेप इख्तियार करता है. और गैस का नो डिफिनिट शेप एंड नो डिफिनिट वॉल्यूम, इसको जितना भी स्पेस मिलता है उतना ही ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो बस हम इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारे साथ टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, दूसरा हमारे पास है फिर लिक्विड, फिर हमारे साथ है ये सॉलिड. सो द फर्स्ट वन properties of gases. Typical properties of gases. Gases के क्या खुसूसियात है? जिस तरह हमने बताया independent shape है और independent volume है. हमारे साथ diffusion. डिफ्यूजन क्या चीज है? द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस. स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग किस चीज को कहते हैं? खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग. हमारे साथ दो प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है दूसरा ना स्पॉन्टेनियस. मिसाल के तौर पर टैंकी से पानी नीचे नलके में आता है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. तो गैसेस स्पॉन्टेनियस इसकी मिक्सिंग है. दूसरा ये रैंडम मोशन करता है. रैंडम मोशन का क्या मतलब है? कि ये हर एक डायरेक्शन में मोशन करता है और जिसकी वजह से दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर. और तीसरा ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है. होमोजीनियस मिक्सचर. तो डिफ्यूजन द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जिसके नतीजे में उसका रेंडम मोशन होता है और वो होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस हम पढ़ चुके हैं इससे पहले चैप्टर में, हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन. तो ये हमारे पास है डिफ्यूजन. मिसाल के तौर पर हम जब परफ्यूम लगाते हैं तो कमरे के एक कार्नर पे हम होते हैं. मिसाल के तौर पर ये रूम है, इस कार्नर पे है तो परफ्यूम तो हमने यहां पे लगाया और यहां पे एयर पार्टिकल्स है. तो यहां से डिफ्यूजन जो हाई कंसंट्रेशन एरिया है ये डिफ्यूज होते हैं सारे रूम में. ये जो है मॉलिक्यूल चले जाते हैं और इसकी खुशबू जो है ये सारे कमरे में फैल जाती है.
तो एक तो ये कि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है एयर पार्टिकल के साथ, दूसरा इसका रेंडम मोशन है, हर डायरेक्शन में मोशन है, और तीसरा ये जो है होमोजीनियस है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. द सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज इफ्यूजन. नाउ व्हाट इज इफ्यूजन? द एस्केप ऑफ गैस पार्टिकल वन बाय वन थ्रू वन होल. एस्केप ऑफ गैस पार्टिकल्स वन बाय वन थ्रू वन होल. एक होल के जरिए जब गैस पार्टिकल्स निकलते हैं तो ये जो है हमारे साथ है ये इफ्यूजन है. नाउ इसका एग्जांपल हम लेते हैं, एक टायर लेते हैं जिसमें पार्टिकल्स जो है उसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कम है, प्रेशर ज्यादा है उधर, लेकिन जब टायर पंक्चर हो जाता है तो उस वन होल से एक बाय एक पार्टिकल्स निकलते हैं, बाहर जो है प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में आता है. तो जब गैस पार्टिकल वन बाय वन जो है एक ही होल से निकलता है तो उसको हम कहते हैं इफ्यूजन. तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, दैट इज प्रेशर. प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर पोर्स पर यूनिट एरिया, पोर्स पर यूनिट एरिया. जिस एरिया पे आप जितना फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारे साथ है प्रेशर. मतलब जितने एरिया पे आप जितना फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रेशर. नाउ जो गैस पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स, सो दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अगर आप इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये कम एरिया में आता है, इसके पार्टिकल जो है क्लोज हो जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं, लेकिन जब हम इसको जो है स्पेस ज्यादा देते हैं तो ये सारा स्पेस जो है ये कवर कर लेता है. अभी हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बराबर है पास्कल का, वन पास्कल, वन पी के बराबर है. अभी हमारे साथ दो किस्म के प्रेशर है, एक बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनवायरमेंट का प्रेशर जिसको हम बेरोमीटर से मेजर करते हैं, दूसरा हमारे पास है जो लिबर्टी का जो प्रेशर होता है. तो न्यूटन मीटर जो है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वन पास्कल के बराबर है. सो दिस इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. द फोर्थ प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी. द फोर्थ वन कंप्रेसिबिलिटी. चूंकि गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है ये ज्यादा होता है, द पार्टिकल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसमें रेंडम मोशन होता है और इसमें स्पेस ज्यादा होता है, सो इट कैन बी कंप्रेस, इट कैन बी कंप्रेस. अगर हम इसमें प्रेशर अप्लाई कर ले तो ये जो है ये पार्टिकल के दरमियान स्पेस कम हो जाता है, ये कम एरिया में पर जो है आते हैं, सो ये गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं जब हम इसमें प्रेशर अप्लाई कर ले. सो दिस इज एन अदर प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस. फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी है मोबिलिटी. मोबिलिटी, द गैस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस रेंडम मोशन ड्यूरिंग विच दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, सो इट पुट प्रेशर. हमारे पास फरस करें कंटेनर है, कंटेनर में गैस पार्टिकल्स है और ये गैस पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, फिर इट स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर, एक दूसरे के साथ रैंडम कंटिन्यू मोशन में है, तो ये जो है अनदर प्रॉपर्टी जिसको हम मोबिलिटी कहते हैं. द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी है डेंसिटी. डेंसिटी,
डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि गैस इसका मास जो है ये कम होता है और इसका वॉल्यूम जो है ये बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है। गैसेस हैविंग इसकी बहुत कम मास होता है, लाइट होता है, और जो है ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ज्यादा स्पेस जो है जब ये कवर करता है तो इसकी डेंसिटी हमारे साथ जो है कम होती है, और इसको हम मेजर करते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या लिक्विड की हम फिर जो है मेजर करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की। सो दिस इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। सो गैसेस हैविंग लो डेंसिटी, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस।